ट्रिक नंबर फर्स्ट, आपने ऐसा क्वेश्चन देखा होगा इंटीग्रेशन डीएक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देखिएगा क्या करते हैं इसके लिए हम लोग। यदि हम इसको पूरा पूरा सॉल्व करें तो बहुत ही बड़ा बनता है, आपको मालूम है। इसके लिए हम ए को कॉमन निकाल करके कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग करते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन यदि आपको ट्रिक के द्वारा करना है तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा भाई, बिना याद किए तो ट्रिक बनता नहीं। ट्रिक करने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए आपको कुछ ना कुछ याद करना पड़ेगा। यदि आप में याद करने की क्षमता है, ठीक है, तो आप इस ट्रिक को उपयोग कर सकते हो। तो सबसे पहला आइए देखें इसके लिए क्या करते हैं। दो केस लेते हैं, दो स्थिति लेते हैं प्यारे बच्चों। एक होता है 4ac - b2। सबसे पहले क्या निकालोगे आप, 4ac - b2 निकालोगे और उसमें देखोगे कि पॉजिटिव है कि निगेटिव है। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं, ग्रेटर देन जीरो की बात करते हैं। हमको मिला 4ac - b2 इज ग्रेटर देन जीरो, तो इसका जो इंटीग्रेशन dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों 2√ 4ac - b2 tan inverse 2ax + b √ 4ac - b2। ये देखिएगा ax² + bx + c आपको केवल याद रखना है। ये देखिएगा 2√ 4ac - b2 tan inverse 2ax + b √ 4ac - b2। बस इतना ही याद रखना है। और कंडीशन आपको बताया गया, क्या बताया प्यारे बच्चों, कंडीशन आपके लिए है 4ac - b2 यह क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, बस इतना ही याद रखना है। आइए क्वेश्चन देखें। सपोज हमारे पास पहला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, dx अपॉन x² + x + 1। अब यहां पर क्या कीजिएगा, देखो इन दोनों को कंपेयर करें। यहां पर एक्स स्क्वायर का कोफिशियंट जो होता है a होता है, x का कोफिशियंट क्या होता है b होता है, और कॉन्स्टेंट ये देखिए c होता है। तो a b c के प्लेस पर, a के प्लेस पर कितना है प्यारे बच्चों 1, और b के प्लेस पर कितना है 1, और c के प्लेस पर कितना है 1। यस, बस अब इसको क्या करोगे आप, इसको आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, पुट करोगे, रखोगे, आपको आंसर मिल जाना है तुरंत। आप क्या करोगे, ऑप्शन को राइट कर लोगे। यस, आइए देखिएगा dx अपान कितना, x² + x + 1, ये बताया गया 2 अपान। अच्छा, इसके पहले आप एक काम कीजिएगा, इसके पहले आप क्या कीजिए, चेक कीजिएगा। क्या चेक कीजिए, देखिए पहले आप चेक कर लीजिए 4ac - b2 कहीं नेगेटिव तो नहीं है। हमें इस फार्मूला को किसके लिए यूज करना है, पॉजिटिव के लिए। तो क्या करो, 4 × 1 × 1 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, 4 × 1 × 1 - 1 का स्क्वायर, क्योंकि सभी तो 1 है। तो आपको क्या मिला, देखो 4 - 1 और ये हो गया 3, और ये धनात्मक है, पॉजिटिव है, हम ग्रेटर देन 0 कहेंगे। अब ग्रेटर देन 0 मिला तो हम यहां पर देखिएगा dx अपॉन x² + x + 1 dx इज इक्वल 2 अपॉन, क्या जानते हैं, देखो √4ac - b2, तो 4ac - b2 तो आप निकाल चुके हो 3, डायरेक्ट आप राइट कर सकते हो 3, और यहां पर हो जाएगा 10, ये देखिए इनवर्स 2ax, तो a हमारे पास 1 है, b भी 1 है, और फिर डिवाइडेड बाई 4ac - b2 है, इसके जगह में 3 राइट कर देंगे, प्लस इंटीग्रल कॉन्स्टेंट c, तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना, आपको दिख रहा होगा 10 इनवर्स 2x + 1 / √3। एक बार और देखिएगा, सबसे पहले आपको देखना है कि किस फॉर्म में है। हमको दिया है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन ax² + bx + c। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो हम लॉन्ग मेथड से क्या करते हैं, a को कॉमन निकाल के कंप्लीट स्क्वायर मेकिंग करते हैं और फार्मूला लगाते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x² + a² 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। बट इतना करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसको हम बहुत ही कम समय में, है ना, समझिए कि 30 सेकेंड या 1 मिनट के अंदर यदि आपको मेकिंग करना है
तो क्या करना पड़ेगा, इस ट्रिक को याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल होता है प्यारे बच्चों 2 अपान स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर टेन इनवर्स 2ax प्लस बी डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर। बट कंडीशन यहां पर बताया गया आपको कि 4ac माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। हमने यहां पर पहला क्वेश्चन लिया इंटीग्रेशन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ए के प्लेस पर 1 बी के प्लेस पर 1 सी के प्लेस पर 1 और इस तरीके से यह हो गया 4ac माइनस बी स्क्वायर। हमने चेक किया हमको मिला कितना 3 और वो हो गया पॉजिटिव ग्रेटर देन 0। हमने फार्मूला लगाया 2 अपॉन स्क्वायर रूट कितना हो गया 3, 4ac माइनस बी स्क्वायर आपको 3 मिला है तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट 3 टेन इनवर्स 2 इंटू 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। इसका मतलब आपको आंसर मिल चुका है 2 अपॉन रूट 3 टेन इनवर्स 2x प्लस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है बच्चों, चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिएगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास है 1 अपॉन कितना एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 डीएक्स। आप क्या करो, ए के जगह 1 है, ये देखो बी के जगह माइनस 1 है और सी के जगह 1 है। आपको क्या निकालना है प्यारे बच्चों, 4ac माइनस बी स्क्वायर पहले चेक करना है 4 इंटू 1 इंटू 1 और ये माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज कितना 4 माइनस 1 ये हो गया कितना 3 आपको मिल गया। अब डायरेक्ट फार्मूला आपको पता है, क्या मालूम है बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है 2 अपॉन स्क्वायर रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर तो रूट 3 हो गया टेन इनवर्स 2ax प्लस बी तो 2a1x और b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4ac माइनस बी स्क्वायर रूट 3। ये देखिए आपको आंसर मिल गया 2 रूट 3 टेन इनवर्स कितना हो गया 2x माइनस कितना 1 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट 3। फास्ट बना सकते हो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं आपको, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस कितना है 5 है, तुरंत बनाइएगा। ये देखिए 4ac माइनस कितना बी स्क्वायर, ये देखो बच्चों a कितना है, देखो a कितना है 1 है, यहां पर राइट कर सकते हो a इज इक्वल 1 b इज इक्वल 2 c इज इक्वल कितना 5 तो कितना हो गया 4ac 4 इंटू कितना 1 इंटू कितना 5 माइनस कितना 2 का स्क्वायर तो कितना हो गया 20 माइनस कितना हो गया 2 का स्क्वायर 4 यह हो गया 16 आपको मिल गया। अब देखो इसका इंटीग्रेशन dx अपॉन कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx इज इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों 2 अपॉन स्क्वायर रूट 16 10 इनवर्स ये देखो फिर उसी में रख दीजिए 2 और एक a के प्लेस पर कितना है 1 है तो 2x और b के प्लेस पर कितना है आपके पास 2 तो 2x प्लस 2 डिवाइडेड बाय कितना रूट 16। एक बार और चेक कर लीजिए, देखिए a इज इक्वल 1 b इज इक्वल 2 c इज इक्वल 5 आपने 16 निकाला तो 2 अपॉन रूट 16 दैट इज 2 अपॉन 4 ये हो गया 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 2 कॉमन एक्स प्लस 1 अपॉन कितना हो गया 4 तो फाइनल आंसर आपको मिल जाना है 1 बाई 2 टेन इनवर्स कितना हो गया प्यारे बच्चों एक्स प्लस 1 अपॉन कितना 2 प्लस कितना इंटीग्रल कॉन्स्टेंट सी। ट्रिक याद रख लीजिए है ना, देखो इसमें भी बहुत सारे टाइप का क्वेश्चन आपको बताएंगे, अलग अलग ट्रिक आपको दिखाएंगे, आपको केवल याद करना है ट्रिक को। यदि आप में है ना याद करने की क्षमता है तो बिल्कुल ट्रिक आपके लिए काम करने वाला है। ठीक है बच्चों, धन्यवाद, नमस्कार।